वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरुषी श्रीवास्तव। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन या किसी अन्य ग्रह के साथ युति बनाता है तो इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन और पृथ्वी पर पड़ता है। आपको बता दें, शुक्रदेव ने अपनी स्वय राशि विश्व में प्रवेश कर लिया है, जहां पहले से ही बुध ग्रह स्थित है। शुक्र का विलासिता, धन, वैभव, रोमांस और ऐश्वर्य का दाता माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संवाद, संचार और चतुराई का कारक माना जाता है। आपको बता दें, 18 जून को इन दोनों ग्रहों की युति बन रही है, जिससे माँ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। माँ लक्ष्मी नारायण योग बनने से वृष राशि के साथ ही कई ऐसी राशियां हैं जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनने वाली है, साथ ही इन पर धन लाभ भी हो सकता है। आइए जानते हैं ये राशियां कौन सी हैं। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से इस योग को बहुत अहम माना गया है, इसलिए इस योग का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं जिनको यह योग लाभप्रिय साबित हो सकता है। आइए जानते हैं ये राशियां कौन सी हैं। आप लोगों की गोचर कुंडली से लक्ष्मी नारायण योग दूसरे भाव में बन रहा है, जिसे धन और वाणी का स्थान कहा जाता है। इसलिए इस समय आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही व्यापार में अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वहीं जिन लोगों का कार्य क्षेत्र वाणी से जुड़ा हुआ है, वो इस समय लाभकारी साबित हो सकता है। आप लोग एक पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि आपको लकी साबित हो सकता है। आपकी राशि से लक्ष्मी नारायण योग 11वें स्थान में बन रहा है, जिसे इनकम और लाभ का भाव कहा जाता है। इसलिए इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही आय के साथ ही आय के नए नए स्रोत बनेंगे। कारोबार में अच्छा धन लाभ हो सकता है। बिजनेस में कोई नई डील फाइनल हो सकती है। डील का फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। इस दौरान माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहेगी। आप लोग एक मून स्टोन धारण कर सकते हैं, जो कि आपके लिए भाग्य रत्न साबित हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग अत्यंत शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि के इस योग का निर्माण दशम भाव में हो रहा है, जिसे नौकरी और कार्य क्षेत्र का स्थान कहा जाता है। इसलिए इस समय आपको नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है, साथ ही आपको कारोबार में अच्छा धन लाभ हो सकता है। व्यापार में नए ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो सकता है। इस दौरान माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप लोग एक पन्ना धारण कर सकते हैं, जो कि आपके लिए शुभ रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग से किस राशि के जातकों पर क्या असर पड़ने वाला है, ये आपने जाना विस्तार में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित रही होगी। ऐसे ही ग्रह गोचर से जुड़ी कहानियां देखने के लिए बने रहे हमारे साथ जनसत्ता.com पर।